स्कूल की छुट्टियों के दौरान मस्जिद अल हराम में उम्रा जायरीन की बढ़ेगी तादाद। मस्जिद अल हराम में ऑपरेशनल खिदमात के सिस्टम में की गई तौसी। किम जोंग उन ने दुनिया के सामने कर दिया आवाज है, कहा हमारी आखिरी टारगेट ये है कि नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे ताकतवर एटमी मुल्क बनाया जाए। पाकिस्तान की सियासत में आ सकता है नया मोड़। इमरान खान ने मुल्क की तमाम असेंबलियों से अपनी पार्टी के निकल जाने का किया ऐलान। अब मस्जिद की शबी जैसी इमारतें भी बीजेपी को मंजूर नहीं। कर्नाटक के मैसूर में मस्जिद जैसा नजर आने वाला बस स्टॉप बीजेपी एमपी के एतराज के बाद बदल दिया गया। पीएम मोदी के गुजरात के मुसलसल दौरों पर अशोक गहलोत का तंज, कहा जब मोदी का नाम ही काफी है तो बार बार उनके गुजरात जाने की जरूरत ही क्या है। दिल्ली और पंजाब के बाद अब केजरीवाल ने कर दी एक और भविष्यवाणी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिख कर दिया गुजरात में बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार।